सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो ये वीडियो सभी इग्नू के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी नए एडमिशन लिए हैं या फिर जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं और अगले साल, अगले सेमेस्टर या फिर अगले ईयर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी इग्नू छात्रों के लिए जो इग्नू के अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसकी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू के अंदर एक री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका साल 6 महीना बर्बाद हो, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, समझ लेना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए बनाते रहे, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इग्नू के अंदर जो री रजिस्ट्रेशन शब्द है, ये जो वर्ड है, होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये मतलब इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, करना ही करना है आपको। और कौन कर सकता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, कब करना है ये सब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो आपको अगले साल जाना है, मतलब सेकेंड ईयर में जाना है, तो आपको एक प्रोसेस होता है री रजिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं कभी कभी मतलब बहुत सारे लोग री एडमिशन भी बोलते हैं, लेकिन री एडमिशन एक अलग चीज़ है और री रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और इसका जो फी है उतना ही लगता है जितना आपने एडमिशन टाइम दिया होगा, 100-200 रुपये कम लगता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है कि जितना एडमिशन टाइम आपने फी दिया होगा उतना ही फी री रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन करना है और 3 साल का कोर्स है, तो फिर सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब अगले साल या फिर अगले सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है और ये नेसेसरी होता है सभी कोर्सेज के लिए, ठीक है। कुछ एक कोर्सेज है जिसमें नहीं करना, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए इग्नू क्या करती है, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम फॉलो करती है। अब ये कैरी फॉरवर्ड सिस्टम शब्द है क्या, ये क्या मतलब है कैरी फॉरवर्ड सिस्टम का। तो देखिए इग्नू के अंदर क्या होता है कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर एग्जाम हुआ या फिर नहीं हुआ उससे इग्नू को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप पास हुए एग्जामिनेशन में, नहीं हुए, उससे इग्नू को कोई मतलब नहीं है। आपको अगले सेमेस्टर में जाना है तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप बिना एग्जाम दिए, बिना एग्जाम को पास किए हुए अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाओगे, अगले नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए जाओगे। सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाओगे, अगर ईयर वाइज प्रोग्राम है तो आपको अगले ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका एग्जामिनेशन हुआ या फिर नहीं हुआ, उससे इग्नू को कोई लेना देना नहीं है। इसी को बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई सेमेस्टर में ऐसा होता है कि आप फेल हो गए अगर एक एग्जामिनेशन में, तो आपको उसी सेमेस्टर या फिर उसी ईयर में रह जाना पड़ता है, आप अगले सेमेस्टर में नहीं जा सकते। लेकिन इग्नू के अंदर ऐसा नहीं है, आप फेल भी हो गए, आप एग्जाम नहीं दे पाए किसी भी कारण से, किसी भी पेपर में, कोई भी पेपर में, और आप फेल हो गए तो आप अगले सेमेस्टर में चले जाओगे और उसके लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। बस सिंपल सा मैटर है, यही री रजिस्ट्रेशन होता है। अब देखिए री रजिस्ट्रेशन दो तरीके का होता है कि अगर आपका साल वाइज प्रोग्राम है, मतलब ईयरली वाइज प्रोग्राम है, तो आपको री रजिस्ट्रेशन साल में एक बार करना है, और सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है तो आपको 6 महीने पे, हर एक 6 महीने पे आपको एक बार री रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपका ईयर वाइज प्रोग्राम है, जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, तो ये सब एक साल में एक बार इसका एग्जामिनेशन होता है, आप एक साल पढ़ते हो फिर एग्जामिनेशन देते हो, तो इसका जो री रजिस्ट्रेशन होता है साल में एक बार होता है, साल में आपको एक बार करना होता है। अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है जैसे एमसीए बीसीए, इसमें हर एक 6 महीने पे आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है अगले सेमेस्टर में जाने के लिए, क्योंकि इग्नू के अंदर 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब देखिए, अभी जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो होगा जनवरी 2022 सेशन के लिए, ठीक है। तो अब जनवरी 2022 सेशन में कौन कौन री रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से लोग जो इग्नू में पढ़ रहे हैं 2022 जनवरी 2022 में एलिजिबल है री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उसको हम लोग एक करके देखेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला कि आपको इग्नू के अंदर दो टाइप के प्रोग्राम्स मिलते हैं, एक तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम और एक ईयरली बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में कैसे होगा, और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, तो वो एलिजिबल है कि नहीं है जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मिस हो जाता है तो फिर आपका साल जो है कि 6 महीना बर्बाद होता है, तो इसको जरूर सही से देख लेना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है, यहाँ तक देख लीजिए वीडियो। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम कौन कौन सा है इग्नू के अंदर, तो देखिए एमसीए हो गया, बीसीए हो गया, तो ये सब सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। मतलब सेमेस्टर वाइज इसका एग्जामिनेशन होता है, जो भी एवोल्यूशन होता है इग्नू के अंदर सब सेमेस्टर बेस्ड, मतलब 6 महीने पे होता है। तो अब अगर आप एमसीए बीसीए में हो तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है जनवरी 2022 में, उसको देख लेते हैं। तो अगर आपने एडमिशन जुलाई 2021 में, मतलब अभी जो ये जुलाई निकला है,
इस जुलाई 2021 में आपने एडमिशन अगर लिया है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एमसीए या फिर बीसीए में, तो आपको जनवरी 2022 में री रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाए। आपका एग्जाम हुआ नहीं हुआ, पास हुए नहीं हुए फर्स्ट सेमेस्टर में, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको री रजिस्ट्रेशन करना है जनवरी 2022 में सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए, पहला पॉइंट, अगर आप एमसीए बीसीए में एडमिशन लिए हो तो जुलाई 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, वैसे कौन से स्टूडेंट्स है जो री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जनवरी 2022 में, तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन अभी जुलाई 2021 में किया था, मतलब अगर सेकेंड सेमेस्टर का अगर आपने किया था जुलाई 2021 में, तो जनवरी 2022 में थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। आपने अगर थर्ड सेमेस्टर का किया था जुलाई 2021 में, तो फोर्थ सेमेस्टर में जाने के लिए जनवरी 2022 में करना है। मतलब इस तरीके से अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर का जुलाई 2021 में किया, तो अगले सेमेस्टर में जाने के लिए आपको जनवरी 2022 में करना है। अब जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर में होंगे, जैसे सिक्स सेमेस्टर में, तो पूछेंगे मुझे भी क्या री रजिस्ट्रेशन करना है? नहीं, आपको री रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्योंकि आप फाइनल सेमेस्टर में हो, तो आप सातवें सेमेस्टर में थोड़ी नहीं रहोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कि फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे जिन्होंने अपना री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2021 में किया था, तो अगले सेमेस्टर में जाने के लिए जनवरी 2022 में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें, नहीं तो आपका 6 महीने बर्बाद होगा, ठीक है, बेस्ट जाएगा, आप 6 महीने पीछे हो जाओगे, राइट। ये हो गए दो पॉइंट। तीसरा कौन सा स्टूडेंट है? अब वैसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना री रजिस्ट्रेशन पिछले सेमेस्टर में मिस कर दिया किसी वजह से, जानकारी की वजह से या फिर पैसे की वजह से, अगर आपने पिछले सेमेस्टर में अपना री रजिस्ट्रेशन मिस कर दियो, मतलब आपने जुलाई 2021 में अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आप अभी री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। तो ये तीनों पॉइंट जो है कि बीसीए और एमसीए वाले छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, बैचलर में जैसे बीए जी हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीटीएस हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, और पुराने बीएससी, बीए, बीकॉम, ये सारे जो प्रोग्राम्स है उनके बच्चे, और जो मास्टर डिग्री जैसे मास्टर इन इंग्लिश, मास्टर इन हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके से जो भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बच्चे हैं, तो उनके लिए कैसे री रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आप एलिजिबल हो कि नहीं हो री रजिस्ट्रेशन करने के लिए जनवरी 2022 में, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैचलर डिग्री। तो मोस्टली जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है इग्नू के अंदर, आपको पता है कि 3 साल का होता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है। तो जैसे कि बैचलर डिग्री बात करें, उसमें जैसे बीए हो गया, बीए जी हो गया, बीएससी जी हो गया, बीकॉम जी हो गया, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट इन जनरल, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस जनरल, बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरल, बीटीएस, बीए ऑनर्स, लाइक बीए ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरीके से जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आपने इसमें एडमिशन लिया है या फिर आप इसमें पढ़ रहे हो, तो आपको अभी री रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। तो कौन कौन से कर सकते हैं ये देखते हैं हम लोग, कि अगर आप इस प्रोग्राम से पढ़ रहे हो तो आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो जनवरी 2022 में। तो देखिए वैसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एडमिशन, फ्रेश एडमिशन जनवरी 2021 में, मतलब पिछले साल अपना एडमिशन लिया था अगर आपने इन सभी प्रोग्राम्स में, इन सभी बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, तो अभी आपको सेकेंड ईयर में जाने के लिए, अभी आप फिलहाल फर्स्ट ईयर में हैं, आपका एग्जाम हुआ नहीं हुआ उसे कोई मतलब नहीं है, मतलब अगर आपने जनवरी 2021 में अपना फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपको जनवरी 2022 में अभी री रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि आपका 1 साल पूरा हो चुका है, तो आपको सेकेंड ईयर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। पहला ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए। दूसरे वैसे स्टूडेंट्स जो कि अपना सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 में किए थे, ठीक है, तो थर्ड ईयर में जाने के लिए अभी आपको री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2022 में करना पड़ेगा, ताकि आप थर्ड ईयर में चले जाओ। आपका एग्जाम हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, पास हुए उससे कोई मतलब नहीं, अगर आपने अपना सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 में किया था, तो आपको अभी जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना है थर्ड ईयर में जाने के लिए, ठीक है। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 में किए हैं, वो अभी री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब पिछले साल या फिर पिछले सेमेस्टर में अपना री रजिस्ट्रेशन मिस कर गए थे किसी वजह से, पैसे की वजह से, किसी वजह से नहीं कर पाए, तो अभी जनवरी 2022 में आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए बैचलर डिग्री में क्या होता है कि आपको 2 ही बार री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप फर्स्ट टाइम आप एडमिशन लिए, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर में जाने के लिए, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए 1 बार री रजिस्ट्रेशन, फिर सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए 1 बार री रजिस्ट्रेशन, मतलब टोटल 2 बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग मास्टर डिग्री प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप जैसे एमएस हो, मतलब सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, एमपीएस पॉलिटिकल साइंस से मास्टर कर रहे हैं, हिस्ट्री से मास्टर कर रहे हैं, हिंदी से मास्टर कर रहे हैं, एमईजी से आप मास्टर कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमईई कर रहे हैं, इस तरीके से जो प्रोग्राम्स में अगर आप पढ़ रहे हैं,
तो ऐसे स्टूडेंट्स अभी जनवरी 2022 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हो सकते हैं? तो देखिए, अगर आपने अपना मास्टर के अंदर एडमिशन, फ्रेश एडमिशन जनवरी 2021 में लिया होगा मास्टर के अंदर, तो आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए अभी जनवरी 2022 में री रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में चले जाओ, ठीक है। और वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले, मतलब आपको किसी वजह से आप अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए सेकेंड ईयर के लिए, तो आप अभी री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ये था सिंपल सा। अब देखिए, मास्टर डिग्री में सिर्फ आपको एक बार ही री रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि मास्टर डिग्री, जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है इग्नू के अंदर, वो मोस्टली जो है कि 2 साल का होता है। तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए और फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपको 1 साल बाद री रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो, सेकेंड ईयर पास कर दिया तो आपको मास्टर डिग्री का जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इस तरीके से मास्टर डिग्री में एक बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है और बैचलर डिग्री में 2 बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जितने सेमेस्टर हैं उससे एक कम रजिस्ट्रेशन करना होता है। मान लीजिए आपको 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, जैसे BCA 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर, तो आपको 5 बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। MCA भी पहले 3 साल का हुआ करता था, उसमें भी 5 बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और अभी 2 साल का MCA हो गया, तो आपको अब 3 ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से लोग री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं अभी जनवरी 2022 सेशन में। अब देखिए, एक होता है इग्नू के अंदर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम, तो इसके अंदर कोई भी री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम साल भर या फिर 6 महीने का होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती, तो जो भी बच्चे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पढ़ रहे हैं तो उनको नो नीड टू डू एनी री रजिस्ट्रेशन अगले सेमेस्टर, अगले ईयर में आपको जाना ही नहीं, तो री रजिस्ट्रेशन क्यों करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि डेट ऑफ री रजिस्ट्रेशन क्या होगा। तो देखिए, डेट ऑफ री रजिस्ट्रेशन अभी अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा। अभी फिलहाल जो है कि जुलाई 2021 का ही री रजिस्ट्रेशन चल रहा था, अभी शायद 2-4 दिन पहले डेट खत्म हुआ है, तो अभी जल्दी ही ये स्टार्ट हो जाएगा री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2022 सेशन। तो सभी बच्चे, वैसे बच्चे जिनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, वो सभी अपना री रजिस्ट्रेशन जरूर करें, मिस नहीं करें। आपका साल बेस्ट हो सकता है, 6 महीना बेस्ट हो सकता है, तो आप अपना जरूर जो है कि री रजिस्ट्रेशन करें। अब देखिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट इतना सब बात हो गया, इसके अलावा मेरे पास एक और जो है कि बातें हैं कि आप अपना अगर री रजिस्ट्रेशन देखना चाहते हैं कि मैं री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो आपको क्या करना होता है। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट पोर्टल पे आना है, यहाँ पे आपको जो है कि रजिस्टर करना होता है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप यहाँ पे आना इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे मिलेगा देखिए ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वैसे ही आप इस पोर्टल पे चले जाओगे, और यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर पासवर्ड डालना। अगर आपने ये नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाया है, देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे अपना डिटेल्स वगैरह डाल कर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना, और न्यू री रजिस्ट्रेशन करके वापिस आना और लॉग इन करना। लॉग इन करोगे जैसे ही, तो वैसे ही आप जो है कि इस टाइप के पोर्टल पे, जो है कि इग्नू स्टूडेंट पोर्टल पे पहुंच जाओगे। जैसे ही इग्नू स्टूडेंट पोर्टल पे पहुंचोगे तो ये प्रोफाइल दिखेगा, स्टूडेंट प्रोग्राम री रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री। तो आप यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाए कि आप अभी री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो जैसे कि देखिए, ये मेरा है एक्चुअली, तो इसमें मैंने, मतलब आई हैव डन मैक्सिमम टाइम ऑफ री रजिस्ट्रेशन, मतलब मेरा BSc प्रोग्राम है, तो मैंने 2 बार री रजिस्ट्रेशन कर लिया है पहले ही, इसलिए यहाँ पे लिखा रहा है यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर मैक्सिमम ईयर, ठीक है। अगर आपका री रजिस्ट्रेशन मान लीजिए एलिजिबल होंगे आप अगर आप 2022 में, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यू आर एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन इन 2021 जनवरी 2021, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है कि मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे, एंड अभी के लिए मेरे ख्याल से वीडियो में इतना काफी है। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो हम लोग लाते रहेंगे और आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत आता है इससे रिलेटेड, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट। तो अभी के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।